सरकार है जिसकी, विधायक भी उसी को होगा, अगर तो काम होगा कुछ न कुछ। सरकार खाना दे रही, पेट भर जाएगा, बाकी कुछ न चाहिए, दवाई है, हर चीज़ है। अगर शिक्षा आप अच्छी दे रहे हैं, महंगाई कम कर रहे हैं, तो बदलाव नहीं चाहिए। अगर ये सब चीज़ें नहीं हो रही तो सर बदलाव तो निश्चित ही है। पिछले साल हम लोगों ने एग्ज़ाम दिए SSC के, PSC के, आज तक रिजल्ट ही नहीं आ रहा है उसका। नमस्कार, मैं कुमार इंदर और आज हम पहुंचे हैं सतना के रैगांव विधानसभा, जहां पर उपचुनाव का तैयारी चल रही है। 30 तारीख को वोटिंग होना है। हम पब्लिक मीटर जानने पहुंचे हैं कि आखिर जनता रैगांव की चाहती क्या है, मेन मुद्दा उनका क्या है। उपचुनाव की घोषणा हो गई है, 30 तारीख को चुनाव वोट पड़ने हैं, क्या है मेन मुद्दा यहाँ पब्लिक का? मुद्दा विकास का है पब्लिक का। हाँ, विकास जुगल किशोर बागरी जी थे, जब तक विकास हुआ नहीं। नए प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी साईं प्रतिमा बागरी जी, और इसके पहले शिवराज सिंह CM घोषणा भी कर गए हैं, तो हम पुनः भारतीय जनता पार्टी का विधायक रिपीट करना चाहते हैं जी। 25 साल करीब BJP के विधायक यहाँ पर रहे, लेकिन आरोप लगते हैं कि उतना विकास नहीं हुआ। विकास उनकी सत्ता भी थी, विधायक भी था, विकास नहीं हुआ। लेकिन हमें अब ये लग रहा है कि 1.5 साल का चुनाव बचा हुआ है, और 1.5 साल का चुनाव बचा हुआ है, अगर दूसरा विधायक आ जाएगा तो वो फिर यही बोलेगा मेरा कोई सुनता नहीं है, और जो अगर पार्टी का रोलिंग विधायक आएगा तो उससे हम लड़ सकते हैं कि हमारे यहाँ CM ये घोषणा कर गया था, इस काम को आप पूरा कराइए। तो देखिए, पब्लिक लगता है कि अवेयर है, वो चाहती कि रूलिंग पार्टी को ही मौका दिया जाए, जिससे पार्टी विधायक जो है वो बहाना ना कर पाए। अच्छी सोच है ये। चुनाव चल रहा है भैया, अभी मुद्दे हैं, कुछ आरोप लग रहे हैं कि विकास, क्या आप क्या देखते हैं? सर, मैं तो यही कहूँगा कि विकास तो ठीक है, पर बदलाव ज़रूरी है। हम लोग अगर कहना चाहिए तो पढ़े लिखे बेरोजगार घूम रहे हैं, ठीक है। हम लोग MP TET क्वालिफाइड हैं, उसके बाद भी सिर्फ मात्र वर्ग 2 में 50 पोस्ट आई है, इसकी वजह से हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो हमारा मकसद यही है, मेन मुद्दा यही है कि बदलाव हो और युवा को जो है रोजगार के ज़्यादा से ज़्यादा अवसर प्रदान हो। तो देखिए, ये लोग हैं जो रोजगार ढूंढने आए हैं, लोग कहना है कि पढ़े लिखे लोग हैं, डिग्रियां की हैं, लेकिन उसके बाद भी गांव में जो है वो विकास नहीं है। मैं और लोगों से बात करना चाहता हूं। भैया, चुनाव चल रहे हैं, उपचुनाव होना है, क्या है इस बार मुद्दा? मुद्दा हो गया क्या है, सरकार है जिसकी, विधायक भी उसी को होगा, अगर तो काम होगा कुछ न कुछ। अगर दूसरा विधायक आ गया तो विकास रुक जाएगा हमारे विधानसभा रहे गाँव को। तो ये है जो BJP को फिर से मौका देना चाहते हैं। भैया, क्या है इस बार गांव की फिजा? भाई, BJP सरकार तो परेशानी की है, पेट्रोल महंगाई देखते हुए गाड़ी में तेल ही नहीं, ढंगा के थक गए बैठे हैं, महंगाई को देखते हुए परिवर्तन होना चाहिए जी। इसके अलावा कोई और इस गांव की जो मूल समस्या है, लोगों की मांग, रोजगार को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं? रोजगार, इंसान भूखे मर रहे हैं लॉकडाउन लग के, खाने के लिए है नहीं। लेकिन सरकार का तो कहना है वो सबको खाना दे रही है, सब सुविधा दे, खाने देने से पेट भर जाएगा, बाकी कुछ ना चाहिए। सरकार खाना दे रही, पेट भर जाएगा, बाकी कुछ ना चाहिए, दवाई है, हर चीज़ है, तेल है, नमक है, क्या ये भी सरकार दे रही? तो कह रही कि 5 लाख तक का इलाज फ्री हो रहा है सब जगह, कहीं नहीं हो रहा है, कहीं कोई सुनने वाला नहीं। सरकार के बोलने से थोड़ा ना इलाज हो जाता है, वहाँ जब करवाने जाओ तो कोई सुनने वाला नहीं। लेकिन लोगों का एक कहना है, मानना है कि नहीं, विकास हो रही तो ठीक है, महंगाई होना चाहिए। नहीं, ये गलत बात है, विकास ही नहीं हो रही तो महंगाई क्यों, किस बात? विकास नहीं है तो महंगाई नहीं। मैं और भी लोगों से बात करना चाहूँगा। भैया, पेट्रोल जो है 116 रुपये पहुँच गया है ना, फिर भी सरकार कह रही, कुछ लोग कह रहे हैं कि ठीक है महंगाई है, लेकिन विकास है? विकास कुछ भी नहीं है, महंगाई ही महंगाई है, चारों तरफ महंगाई है, सब जनता परेशान है, और काफ़ी परेशान है जनता, और अब की परिवर्तन होगी कि कांग्रेस सरकार की आने की संभावना है यहाँ विधानसभा में, और जोरों से लगे हैं, और सब परेशान है भारतीय जनता पार्टी से, और बेरोजगारी है, पेट्रोल महंगा है, गैस सिलेंडर महंगी है, तो इंसान गरीब है, बेचारे जितने भी हैं सब परेशान हैं, तो परिवर्तन ज़रूर होगा इस विधानसभा में। तो ये है, कुछ लोग जो परेशान हैं वो परिवर्तन की बात कर रहे हैं। आप युवा हैं और इस बार क्या आप चमत्कार करने वाले हैं? चमत्कार तो सर होगा ही, क्योंकि महंगाई, पढ़ाई,
यहाँ तो सर कुछ व्यवस्था खासतौर पर पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है। बैग टांग के हम सर यहाँ से 304 किलोमीटर दूर 300 किलोमीटर दूर जा रहे हैं पढ़ने। अच्छे ना तो कॉलेज हैं, जिसका कॉलेज है अगर तो गवर्नमेंट नहीं है, प्राइवेट है, उतना लोगों के पास पैसा नहीं है। जिसके पास है वो तो कर रहा है, जिसके पास नहीं वो छोड़ के जा रहा है। मामा का तो कहना है कि भांजे भांजे को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं मध्य प्रदेश में मामा सब करे। मामा तो बहुत दिन से कह रहे हैं लेकिन परेशान तो सर सब हैं। हाँ मिलता है लेकिन उतना नहीं मिल पाता जितना लोग चाहते हैं, क्योंकि सर मेन बात सबसे बड़ी महंगाई और पढ़ाई। तो ना तो यहाँ महंगाई कम हुई, ना तो पढ़ाई, ना तो कॉलेज है अच्छे, स्कूल भी हैं जो वो बेहतर नहीं चल पा रहे हैं। तो लोग हम ही खुद ही जा रहे हैं यहाँ से, मैं जा रहा था लखनऊ, हम पढ़ने खुद ही जाते हैं बाहर, कॉलेज अच्छे नहीं हैं तो हम जा रहे हैं, क्या करें। महंगाई भी अच्छी खासी है, आप तो देख ही रहे हैं, तेल 200 लीटर पहुँच गया 200 रुपये किलो, पेट्रोल का तो कोई भाव ही नहीं कि कितना जा रहा है, 125 रुपये तो आज ही मैंने डलवाया। तो महंगाई बहुत ज़्यादा है, अगर चाहते हैं तो महंगाई कम करें, बस कुछ व्यवस्थाएँ देखें। बाकी तो सब ठीक ही है, जो रोड तो सही था, लेकिन महंगाई खासतौर पर उनसे मेरा निवेदन रहेगा कि वो महंगाई पर थोड़ा ध्यान दे। बाकी और सर मन बना लिया है इस बार? नहीं नहीं मन क्या है, मन तो मैंने नहीं, मैंने तो जनता ने बनाया है मेरा वोट करने से। क्या मन, युवाओं का मन तो यही है सर कि शिक्षा और बदलाव। अगर शिक्षा आप अच्छी दे रहे हैं, महंगाई कम कर रहे हैं तो बदलाव नहीं चाहिए। अगर ये सब चीज़ें नहीं हो रही तो सर बदलाव तो निश्चित ही है। देखिए ये पब्लिक है और ये यहाँ के विधानसभा के रहगांव की जो युवा है जो कह रही कि उन्होंने मन बना लिया है, अब वो मन क्या है वो 30 तारीख को दिखेगा। मन बना है क्योंकि इतना ज़्यादा महंगाई और इतने महंगे CM अफोर्ड करने में थोड़ी सी दिक्कतें तो महसूस हो रही हैं। अब इतनी दिक्कतों के होने के बावजूद इतनी बेरोजगारियां, डिग्री कंप्लीट करके भाग रहे हैं, पिछले 5 साल से वैकेंसियां बिल्कुल भी नहीं आ रही हैं, क्या करेंगे आप ही बताइए। मामा तो कह रहे हैं मैं हूँ, चिंता करने की जरूरत, 5 सालों से देख रहे हैं ना कि मामा आप हैं, आप मामा हैं, इसी बात की तो चिंता है और इसी बात से हम लोग परेशान हैं। पिछले साल हम लोगों ने एग्ज़ाम दिए SSC के, PSC के, आज तक रिजल्ट ही नहीं आ रहा है उसका, कुछ पता नहीं क्या हो रहा है, क्या करेंगे आप ही बताइए। तो ये युवा है, ये बोल रहे थे कि वादे हैं वादे ही रहते हैं, सिर्फ चुनाव में याद आते हैं बाकी समय भूल जाते हैं। अम्मा लोगों का कहना है कि वादे बहुत सारे हुए लेकिन काम नहीं हुआ। काम का होता है, ये मान लें कि हमारा राशन कार्ड से 3 साल से नाम कटा है, गरीब मन हमारे राखदारन तक जगह नहीं है, जिनके जगह ही 3 ही राशन कार्ड मिले, अगर जो बोल दिए तो कह देते लड़कन का नाम कटा दे अपन जोड़ ले, तो लड़का भाई उन्हों के तो नहीं है कि कमाई हो ज़्यादा तो कमा खाएं। तब हम हतारी यहाँ तब उनका लाथ में अकेले हैं, लड़कन से अलग हैं, तो वहूँ का ही कुछ मिलो चाहे न अस्पताल की सुविधा है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये माता राम है जो बता रही हैं कि इनका कई सालों से राशन कार्ड से नाम कट गया, अस्पताल सुविधा नहीं है। भैया रहगांव विधानसभा में उपचुनाव हो रहे हैं, जी जी जी, है ना, क्या है मूल समस्या यहाँ? अरे मूल समस्या तो बहुत है, बताइए, गाड़ी हम लेके चलते हैं पेट्रोल डलवाने के लिए तो पैसा नहीं पूछ रहा, 120 रुपये पेट्रोल हो गया, बताओ कहाँ चलेगा। हाँ आप ही बताओ, वादे तो बहुत कर देते हैं, सरकार आती बोलते हम ये करते हैं वो करते हैं। ये बताइए टमाटर 3 रुपये 4 रुपये किलो जो बिक रहा था, 40-50 रुपये किलो बिक रहा है, मट्टी तेल 20 रुपये किलो बिक रहा, 20 रुपये लीटर मिल रहा था, जो 50 से 60 रुपये लीटर मिल रहा, सरसों का तेल बोले तो 80 रुपये चल रहा था, आज 200 रुपये है, तो कहाँ से गरीबी हटेगी बताइए। बोल रहे हैं भाजपा सरकार बोल रही है कि वो अमेरिका लाएंगे, या अमेरिका ला रहे हैं गड्ढे में डाल रहे हैं, बताइए आप ही। गांव में आज तक लोगों का कहना है कि मूलभूत सुविधा नहीं है, वादे कई बार हुए स्कूल खोलने की, कॉलेज खोलने की, अस्पताल खोलने की, लेकिन वो वादे सिर्फ वादे बनकर रह गए, कहीं ज़मीन पर कोई काम नहीं हुआ। इस बार पब्लिक मीटर में बस इतना ही, कल फिर हम दूसरे विधानसभा के किसी और क्षेत्र में देखेंगे, जानेंगे कि वहाँ के लोगों की आखिर मूलभूत समस्या क्या है, लोगों के मन में क्या है, इस उपचुनाव को लेकर क्या वाकई लोगों ने फैसला कर लिया है।